हेलो जी, सलामकुम। क्या हाल है, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद का तो ठीक होंगे। आज बहुत दिन बाद कमरे से वीडियो, मतलब बहुत दिन बाद वीडियो ही आ रही है। चूंकि आज साल का आखिरी दिन है 2019 का, तो मैंने सोचा कि कुछ 2019 की यादों को डिस्कस किया जाए कि 2019 कैसा रहा। चूंकि मेरे चैनल पर बहुत दिनों बाद वीडियो आती है, तो इस वीडियो के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया था मेरे दोस्त ने और कहा कि भाई तुम बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम कहते हो तो मैं बना लेता हूँ। क्योंकि मैं लेज़ी बहुत हूँ और इन सब कामों बहुत सुस्ती करता हूँ, तो इस वजह से शायद चैनल में बहुत दिनों बाद वीडियो आती है। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी चीज़ है। बात करते हैं सबसे पहले जनवरी की। जनवरी शुरू होते ही मेरे पेपर ख़त्म हुए और सेमेस्टर का गैप मिला मुझे एक महीने का, तो मैं खुशी से निहाल था। और मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें पेपर्स के हवाले से जो प्रिपरेशन थी, जो मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्ड की, तो वो दिखाई जाए और फिर उम्र इसी चीज़ में गुजरती जाएगी। मैंने 2019 में एक्सरसाइज शुरू की थी और आज 2020, कल 2020 शुरू हो गया और आज तक वो एक्सरसाइज वहीं की वहीं रुक गई, उससे आगे बढ़ी। और भाई पूरा सेमेस्टर गैप मेरा इसी तरह बोरियत में गुजर गया। और जैसे ही फरवरी शुरू हुआ और मेरे सेमेस्टर शुरू हुए, तो मेरे कज़न ने एक पिकनिक अरेंज की, कहा कि भाई सी साइड चलते हैं। बोला सर्दी में सी साइड? हाँ ना, तुम्हें नहीं पता इतना मज़ा आता है सर्दी में। मैंने कहा ना बंदा पानी में जा सकते ना कुछ। बोला तुम चल के तो देखो। तो हम गए। समंदर की लहरें जो है ना, वो इंसान के डॉक्टर्स बताते हैं कि हार्ट बीट को अच्छा करती हैं। तो समंदर की लहरें, आप कुछ नहीं करें, बैठ के सिर्फ समंदर की लहरों को देखते रहें ना, उससे आपका हार्ट बीट जो क्या कहना, हार्ट बीट सेट हो जाती है। तो मैं भी बैठा हुआ कुछ यही कर रहा था। और सी साइड से आने के बाद मेरी काफ़ी दिनों बाद, यानी तकरीबन 2 से 2.5 साल बाद, मेरी अपने एक बहुत पुराने स्कूल के दोस्त सलमान से मेरी बात हुई। तो मैं सलमान भाई की रॉड रोलिंग देखने आया, और रॉड रोलिंग वह मास्टर आदमी है, ये एडवर्टाइजमेंट भी कर चुका है भाई, और फुल चौड़ा आदमी, लंबा चौड़ा दोनों। तो रॉड रोलिंग दिखाता हूँ अभी मैं। और इसी के साथ साथ 2019 में पहली बार, लेकिन व्लॉगिंग जर्नी में दूसरी बार मुझे एक कोचिंग की तरफ से बुलाया गया उसके फेस्टिवल में कि यार आप आएँ और फेस्टिवल कवर करें। मैंने कहा हाजिर, हाजिर है भाई। मार्च आया और मार्च में बड़ी मेहनत समाजित करने के बाद हमारा प्लान बना कि यार चलो भंबोर चलते हैं। तो हम भंबोर गए। ये जगह कदीमी होने के साथ साथ बहुत नायाब इसलिए है कि इस जगह की तारीख भी बिल्कुल मोहनजोदड़ो जैसी है। जैसे मोहनजोदड़ो पलट गया था, वैसे ये जगह भी पलट गई थी, और ये तकरीबन 7th सेंचुरी की बात है। तो हम लोग हैं धाबी जी पंपिंग स्टेशन पर, यहाँ से पूरे कराची को पानी सप्लाई होता है, और प्लांट में जाने की इजाज़त है, लेकिन हम लोग खुद अवॉइड करेंगे थोड़ा सा। और ये तो तालाब वाला, मतलब बहुत ही कोई खूबसूरत जगह है, यहाँ से कराची को पानी मिलता है, कराची वाले सारे यहीं से पानी पीते हैं। और अप्रैल शुरू होते ही मेरे पास एक मैसेज आया, वो मैसेज था अदर नवीद का, जो कि मैंगोबाज में होते थे, लेकिन अब उनका अपना चैनल है अदर नवीद के नाम से। तो नवीद भाई का मैसेज आया कि मैंने उनको काफ़ी दिन पहले कहा था कि नवीद भाई यार जब टाइम मिलेगा तो मुझे बताएगा, तो मुझे आपके साथ एक वीडियो करनी है। तो उनका मैसेज आया, हाँ ब्रो क्या करना है फिर? मैंने कहा बस नवीद भाई आप बोले, वीडियो करनी है। तो उन्होंने बोला बस ठीक है आ जाओ।
मैं बोला बेहतरीन है। तो बस फिर उनके साथ मैंने एक छोटा सा चिट चैट किया। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक है? अल्लाह करम ठीक ठाक। आप सुनाए नवीद भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह करम सर, बिल्कुल रेडी टू गो। और यार उसके बाद आया मई, और मई के महीने में हमारे असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, ये वो सेमेस्टर के चल रहे थे। तो एक प्रोजेक्ट सोशोलॉजी का मेरा था, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ खैर ख्वाही का काम करना था। तो उसके लिए फिर हमने कहा कि यार ये काम तो करना, और उसकी एक वीडियो बनानी थी। तो जो उस क्लास में मेरी पुरानी क्लास के बॉयज थे वो मेरे साथ थे, और उनका उनका जो ग्रुप था वो मेरे साथ था। और वो इस बात से खुश थे कि यार अबू भाई है तो वीडियो तो बनी जाएगी। तो वीडियो कैसी बनी, छोटा सा क्लिप देखें, और टैग भी ऊपर आ गया होगा, पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। तो बहुत सही आइडिया आए थे प्रोजेक्ट में कुछ भी करने के लिए, लेकिन हमने इस गर्मी को देखते हुए ये सोचा कि पानी बांटने के दवा और कुछ अच्छा नहीं है। दोपहर की सख्त गर्मी में हमने निकलने का प्लान बनाया, ताकि हमारा एहसास मजीद बढ़ सके कि इस गर्मी में, जिस गर्मी में हम निकल नहीं सकते, उस गर्मी में वो बेचारे लोग काम करते हैं। और भाई मई के बाद आया जून, और जून में थी ईद। ईद के दौरान और ईद के बाद इतनी गर्मी थी कराची में, ये तो जो कराची में रहते हैं सबको मालूम होगा कि कितनी गर्मी थी। और मेरे साथ बैठ लग ये था कि मेरा कमरा, जो ये जो कमरा है ये ऊपर वाले फ्लोर पर बना हुआ है, और डायरेक्ट धूप पड़ती है, और इसमें एसी भी नहीं है, और इतना गर्म हो जाता था ये कमरा कि बैठने के काबिल नहीं होता था। तो मैं नीचे वाले फ्लोर में जाके बैठता था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, बस एक छोटा सा ईद मुबारक की वीडियो बनी थी बस। मेरी जानिब से तमाम छोटे बड़े मर्द औरत बूढ़े जवान बच्चे सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। और भाई उसके बाद आया जुलाई। जुलाई में, जुलाई शुरू होते ही मुर्तजा भाई ने दिया मुझे एक चैलेंज, और चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद पहली वीडियो जो थी वो इस हवाले से थी कि पाकिस्तान टीम के मामलात कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रहे थे। ख़राब तो अभी भी हैं, और अभी और ज़्यादा ख़राब है, लेकिन उस वक्त थोड़े ख़राब हुए थे। तो उस हवाले से मैंने कहा कि यार एक वीडियो मैं बनाता हूँ, तो मैंने उस हवाले से एक वीडियो बनाई। मेरा बचपन से एक शौक था कि मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूं। मेरे पास ग्लव्स हो, मेरे पास हेलमेट हो, मेरे पास पैड हो, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलकर मैं पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करूं। लेकिन शायद वो ख्वाब पढ़ाई की नज़र हो गया। अगरचे मैं पाकिस्तान टीम में नहीं पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना ये मेरा एक कौमी फ़र्ज़ भी है, और ये मेरी मोहब्बत का तकाजा भी है। और पाकिस्तान टीम का हर मैच मैं बहुत जज्बे से देखता हूँ। क्रिकेट से मेरी मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि कोचिंग से निकलता था और जाके स्टेडियम में मैच देखा करता था, लेकिन क्रिकेट मेरा जुनून है। बस अगस्त आया, और अगस्त में मेरा कुछ गैप था, तो मैंने कहा उस्ताद छोड़ना नहीं है अब। बोलो अभी क्या मसला? नहीं ऐसा मसला नहीं है, मसला कैसे होगा क्या होगा? के ब्लॉग में आने की बचपन का ख्वाहिश थी, फिर अदा ने मुझे जेबस पे भेज दिया, फिर अबू तल्हा को बीएससीएस पे भेज दिया, और हफीज मेमन अगर अबू तल्हा के ब्लॉग में ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है? वाह वाह। और भाई मैं खड़े खड़े थक गया, तो मैंने सोचा बैठ के बता दो कि सितंबर में क्या हुआ। सितंबर में मैंने एक ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल गाड़ी बनाई, और उस हवाले से मैंने एक ब्लॉग बनाया, क्योंकि व्लॉगर्स लाइफ मैन, ब्लॉग बनाना ज़रूरी था ना, क्या करते। अरे वाह, उसके बाद आया अक्टूबर। अक्टूबर में, सितंबर में मैं एक पिकनिक पे गया था, और उसका मैं कुछ काम एडिट का कर ही नहीं सका था, तो मैंने अक्टूबर में किया और उसको अक्टूबर में अपलोड किया। तो अक्टूबर एक लिहाज से पिकनिक के व्लॉग मेरा अक्टूबर में आ गया। और अक्टूबर में वैसे मेरी बर्थडे थी, लेकिन अफसोस कि आज तक उसका बर्थडे ब्लॉग नहीं आ सकता, पता नहीं क्यों। आएगा आएगा, 2020 में आएगा, 20 की बर्थडे में नहीं आएगा, पहले आ जाएगा, लेकिन 2020 में आएगा, पता नहीं ऐसा क्यों है, समझ से बात।
लेजीनेस बहुत ज्यादा। अबे तो पर्चा भी कट जाएगा साथ में। वो मारो 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 इस पे मार। इंसान की बच्चे अपनी बर्ड। अबे तो कट भी गया ना। गाने काटने की तैयारी हो रही है। उसके बाद भाई मैंने एक पिकनिक अरेंज की थी और उसका मैंने एक ब्लॉग बनाया था, लेकिन ज़माना हो गया था, वो व्लॉग आ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या था, क्या मसला था। और आखिर उस पिकनिक पे मेरे साथ जो जो गए थे सब ने मुझे पर्सनली मैसेज कर करके कहा भाई 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 व्लॉग बना दो, व्लॉग बना दो, व्लॉग बना दो, क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बना रहे व्लॉग, क्यों नहीं बना रहे व्लॉग। मैंने कहा अच्छा भाई, तो बस फिर मैं डर गया और मैंने एक व्लॉग बनाया और वो व्लॉग अपलोड हुआ तकरीबन ऐसे ही कोई नवंबर में। और भाई दिसंबर आया, दिसंबर मेरे लिए अच्छा इसलिए था कि जब मुझे किसी ने कॉन्टेक्ट करके कहा कि भाई एक सूप का रिव्यू और सूप का एक शॉप का एक व्लॉग बनाना है तो आप आ सकते हो, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। बात की जाए व्लॉगिंग के हवाले से तो बात यह है कि हर कोई अपनी पर्टिकुलर चीज़ पर व्लॉग करता है, कोई फूड व्लॉगर है, कोई ट्रैवल व्लॉगर है, कोई टेक रिव्यूज़ देता है, कोई जो है फूड रिव्यूज़ देता है, कोई कपड़े वगैरह फैशन रिव्यूज़ देता है, तो इस सब चीज़ों से। लेकिन मुझसे पूछा जाए कि आप किस चीज़ के व्लॉगर हो, तो हम भाई ऑलराउंडर हैं, हर कुछ करते हैं भाई। मेरे चैनल पर आपको अभी तक फूड रिव्यू भी मिलेगा, आपको क्रिकेट के हवाले से भी बातें मिलेंगी, आपको मतलब हर चीज़ पे मिलेगी तकरीबन, और आगे भी इसी तरह हर चीज़ पे मिक्स प्लेट बनाने का मेरा इरादा है। लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग मुझसे जिस तरह की वीडियोस भी एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे चाहे वो किसी चीज़ का रिव्यू हो, चाहे किसी जगह के बारे में हो, चाहे किसी खाने के बारे में हो, चाहे किसी कपड़े के बारे में हो, चाहे किसी मैच के बारे में हो, चाहे किसी गाड़ी के बारे में हो, चाहे किसी फ़ोन के बारे में हो, जो भी चाहते हैं तो मुझे बताएं, ताकि आगे मेरे पास फिर कॉन्टेंट उस लिहाज से मेरे पास मैं जमा करता रहूँगा। आपकी आपके बताए हुए चीज़ को भी मैं अपने पास लिख लूँगा कि यार फ़लाँ ने ये कहा था कि यार इस चीज़ पे वीडियो करो, तो मैं उस चीज़ पे वीडियो 2020 में करूँगा, लाजमी, इंशाल्लाह लाजमी मैं करूँगा। तो आई वॉन्ट योर कमेंट्स इन माई वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि यार बंदा प्लान बहुत कुछ करता है लेकिन वो कर नहीं पाता, क्योंकि जब जिस चीज़ का अल्लाह का हुक्म होता है वही होता है। तो अब मेरे प्लान 2020 के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्लान है, मैं बता भी नहीं सकता कितने प्लान है, बहुत सारे प्लान हैं और बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्लान हैं। तो दुआ मैं ही करता हूँ कि अगर आपके प्लान भी पूरे हों और मेरे प्लान भी पूरे हों, तो आप भी मेरे लिए दुआ करें, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ। और इसी बात पे 2019 को भी कहते हैं और इस वीडियो को भी कहते हैं, सब मिलकर कहेंगे, क्या कहना है, बाबा टाई टाई।